पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने श्री राम अवतार की कथा सुनाते हुए ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण रूपों की व्याख्या की। जो निर्गुण अर्थात अरूप, अव्यक्त और अर्जन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जिस प्रकार जल और ओले में कोई भेद नहीं, दोनों जल के ही रूप हैं, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण भी तत्वता एक ही हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझ पाने में असमर्थ होता है, इसी कारण वो प्रकाश पुंज पुराण पुरुष श्री रामचंद्र पर एक मानव की भांति मोह के आवरण में लिपटे होने का आरोप लगाता है। अस निज हृदय विचारित जु संशय भजु राम पद सुनु गिरिराज कुमारी ब्रह्म तम रवि कर बचन सगुण नहीं अगुण नहीं नहीं कछु भेदा गावहिं मुनि पुराण बुध वेदा अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सोई रहित सगुन सोई कैसे जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे जा सुनाम भ्रमति मीर पतंगा तेहि किमि कही अभिमोह प्रसंगा राम सच चिदानंद दिने सा नहीं तह मोह निसाल वले सा सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोय कहीं शिवनाय निज भ्रम नहीं समुझही अज्ञानी प्रभु पर मोह धरही जड़ प्राणी जथा गगन घन पटल निहारी झांपे उभानु कहही कुबिचारी चितव जो लोचन अंगुलि लाए प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए उमा राम विषयिक असमोहा
नभतम धूम धूरी जिमि सोहा विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवर पति सोई जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु मायाधीश ज्ञान गुण धामु जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया रजत सीप महु भास जिमी जथा भानु करबार जदपि मृषा तिहु काल सोई भ्रमन सकई कोटारी एहि विधि जग हरि आश्रित रहई जदपि असत्य देत दुख अहई जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दूरी दुख हो जासु कृपा अस भ्रम मिटी जाई गिरिजा सोई कृपाल रघुराई आदि अंत को जासु न पावा मति अनुमानी निगम अस गावा बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहै घ्रान बिनु बास असेखा असि सब भांति अलौकिक करनी महिमा जा सुजाई नहीं बरनी जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कोसल पति भगवान